फ्रेंड्स पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं बूढ़ी गंडक के बारे में उसका टोटल समझ चुके हैं इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कमला रिवर के ऊपर एक कमला रिवर जो ओरिजिनेट कहां से होती है कितने देश में पास करती है और अपने बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से आ, किस डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है और कहां पे जाकर के गंगा में मिल जाती है सारी कहानी इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर मैं महू के कश्यप और प्यारा चैनल आपका आई क्यू कश कॉम्पिटेटिव देखिएगा यहाँ से एक कमला रिवर है कमला रिवर का नाम सिर्फ कमला रिवर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसका टोटल लेंथ जो है 328 किलोमीटर है 328 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसमें 328 किलो में आप याद रखेंगे कि सिर्फ नेपाल में 208 किलोमीटर फ्लो करती है टोटल लेंथ हम लोग बात करें तो 328 किलोमीटर है जिसमें 208 किलोमीटर सिर्फ नेपाल में है और इंडिया में बात करें तो 120 किलोमीटर है इंडिया में फ्लो कितना करती है एक सौ बीस किलोमीटर मतलब कमला रिवर का जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है इंडिया के अंदर सिर्फ एक सौ बीस किलोमीटर और दो सौ आठ किलोमीटर के यहाँ पे नेपाल में इसका मतलब है कि अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया और नेपाल मतलब किस कितने देश से पास करती है ये तो दो देश से इंडिया और नेपाल ओरिजिनेट कहाँ से होती है तो नेपाल से और आती कहाँ पे इंडिया में इंडिया में जाकर गंगा से ये गंगा से नहीं बागमती से जाकर मिल जाती है ऑलरेडी बागमती रिवर पर हम लोग बात कर चुके हैं देखिएगा कमला रिवर जो है ओरिजिनेट होती है कहाँ से नेपाल से और इंड कहाँ पे हो जाती है कमला रिवर के मतलब इंडिया में आकर के अगर हम लोग बात करें कि, कि कमला रिवर कितने कंट्री से पास करती है तो नेपाल और इंडिया से इसलिए हम लोग इस कमला रिवर को हम लोग बोल सकते हैं ट्रांस बाउंड्री रिवर बोल सकते हैं ट्रांस बाउंड्री जो दो बॉर्डर से पास करती है या स्टेट बॉर्डर हो सकती है या कंट्री बॉर्डर हो सकती है तो इसको ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोलते हैं अगर हम लोग बात करें कि इंडिया के कितने स्टेट से पास करते हैं तो ए स्टेट से बिहार बिहार में इंटर करती है और बिहार में ही यह समाप्त हो जाती है बिहार में इंटर करती है बिहार में आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है तो ये याद रखना है कि बिहार के ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है और कौन सा तो जयनगर के पास में एट अ जयनगर कहाँ पे मधुबनी में पहला चीज ओरिजिनेट होती है कहाँ से नेपाल में और इंडिया में जहाँ पे इंटर करती है तो बिहार में स्टेट वाइज बात करें तो बिहार में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में इंटर करती है तो मधुबनी में मधुबनी के किस शहर में डिस्टिक किस शहर में ए इंटर ए मिलती है वो है जयनगर में तो जयनगर में आकर के ये मिल जाती है अगर हम लोग बात करें कि यह निकलती कहाँ से तो निकलती है मैथान से मैथान कहाँ पर नेपाल में है ये सिंधु सिंधुशाही डिस्ट्रिक्ट में पलता है सिर्फ याद रखिए मैथान से निकलती है जो कि नेपाल में है ये कहाँ पर है नेपाल ए नेपाल से और माउथ कहाँ पे हो जाती है मिल कहाँ पे जाती है तो याद रखना है कि ए बागमती में मिल जाती है मैं फिगर वाइज भी आपको समझाऊंगा बागमती में मिलती है मेन स्ट्रीम बागमती में मिलती है छोटा सा एक पार्ट मिल करके कोसी में भी जाके मिलती है लेकिन मेन वाटर जो स्ट्रीम है वो कहाँ पर बागमती में आकर के मिल जाती है ए हो गया यहाँ पर मैं इसी बात को यहाँ लिखा हूँ कि इट्स ज्वाइन द रिवर कारे कारे मतलब बागमती को लिखा हूँ एट द बदला घाट बदला घाट इन द खगरिया खगरिया में बदला घाट में जहाँ पे अब ये बात कर रहे हैं कहाँ पे? मधुबनी में तो इंटर करती है अपने इंडिया में मधुबनी बिहार के मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में आके इंटर करते लेकिन गंगा में कहाँ पे मिलती है तो ये बदला घाट नियर द खगरिया खगरिया के पास में जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है बदला घाट और ये बदला घाट किससे एक बदला घाट किस पे बात कर रहे हैं हम लोग ये कहाँ पे मिल रही है गंगा को नहीं सॉरी ये गंगा को नहीं मिलती है बागमती रिवर को जहाँ पे मिलती है कौन सा कमला रिवर बागमती को मिलती है जहाँ पे मिलती है उस जगह का नाम है बदला घाट और ये कहाँ पे है खगड़िया खगड़िया भी एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार का इसका मतलब है कि इंटर करती है मधुबनी में और समाप्त हो जाती है कहाँ पे खगड़िया में खगड़िया में खासकर बदला घाट के पास में जाके मिलती है और वहाँ पे समाप्त हो जाती है एंड द कंबाइन स्ट्रीम फ्लो इनटू द कोसी और कुछ बहुत सारे वाटर का जो एस, एस्ट्रीम होता है वो जाकर के कोसी में भी मिल जाती है तो यहाँ से दो बातें याद रखना है कि इसका लेंथ कितना है तो थ्री किलोमीटर है जिसमें नेपाल में 208 किलोमीटर और इंडिया में 120 किलोमीटर दोनों को ऐड करेंगे तो 328 किलोमीटर हो जाएगा ओरिजिनेट कहाँ से होती है नेपाल में और समाप्त कहाँ पे होती है इंडिया में इंडिया में बात करें तो किस स्टेट में तो बिहार में बिहार में बात करें किस डिस्ट्रिक्ट में तो मधुबनी में और किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर समाप्त हो जाए तो खगड़िया में खगड़िया का खास एक स्पेशल जगह है जहाँ को हम लोग बोलते हैं जयनगर जयनगर में जा कर के मिलती है किस रिवर से मिलती है तो याद रखना है बागमती रिवर से मिलती है और बागमती रिवर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कहाँ से है अब यहाँ पे फिगर देखिएगा ये फिगर में बनाया हूँ ये फिगर जो बनाया हुए है गंगा रिवर को बनाया हूँ तो गंगा रिवर आपको पता है कि पूरे बिहार को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये जो होता है कौन सा पार्ट इधर वाला जो हम लोग बात कर रहे हैं ये नॉर्थन पार्ट होगा इधर वाला साउथर्न पार्ट हो गया तो नॉर्थन पार्ट वाला अभी रिवर हम लोग कर रहे हैं तो इसमें देखिएगा ये बीच वाला पार्ट जो बनाया हु ये कौन सा रिवर है तो कमला रिवर जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं निकलती है मैथान से निकलती है और वो कहाँ है नेपाल से ये फ्लो करते हुए आती है यहाँ पे और यहाँ पे एक स्ट्रीम मिल जाती है देखिएगा ए जो रिवर बनाया हो कौन सा बागमती रिवर है और इधर से एक कोसी रिवर को बनाया कोसी रिवर रिवर को हम लोग सौरव ऑफ बिहार में बोलते हैं तो हम नेक्स्ट हम लोग करने वाले कोसी रिवर के ऊपर ही फिलहाल इतना याद रखिए कि ए इधर से जाती है बागमती और ए इधर से आती है कौन सा आ, कमला और ए आकर के यहाँ पर मिल जाती है जो जहाँ पर मिलती है ये बदला घाट है बदला घाट कहाँ पे है खगड़िया में और छोटा छोटा सा स्ट्रीम जो है इसका कट कर करके दो पार्ट्स में बट जाती है और छोटा सा स्ट्रीम जा कर के काशी कोसी रिवर में भी जाके मिल जाती है इसलिए इसको थोड़ा सा सो शॉर्ट में लिख भी दिया हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो मेन स्ट्रीम कहाँ पर मिलती है तो बागमती रिवर को मिलती है लेकिन छोटा सा पार्ट जा करके कोसी को भी मिलती है तो हम लोग को अगर माउथ पूछेगा तो हम लोग को मतलब कहाँ पर मिलती है पूछेगा तो हम लोग बताएंगे बागमती में ठीक है कोसी रिवर में नहीं बताएंगे कोसी रिवर में भी इसका अमाउंट ऑफ वॉल्यूम कह सकते हैं वाटर का वो कम होता है जो कोसी रिवर में जाकर मिलती है इतना याद रखना है हम लोग ऑलरेडी इस रिवर के बारे में टोटल कंसेप्ट समझ चुके हैं आज इस बारे में आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं इसके बाद जो रिवर है हम लोग के पास में वो कोसी रिवर है जहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट रिवर है और कह सकते हैं सौरभ बिहार क्यों कहते हैं सारी कहानी उसमें हम लोग करेंगे ऑलरेडी ऑलरेडी हम लोग ट्रिटी ऑफ कोशी हम लोग कर चुके हैं तो उसको भी देख सकते हैं कि क्या उसके ऊपर बैरिज के ऊपर क्या क्या एग्रीमेंट किए गए हैं कोसी रिवर पे नेपाल के अंदर में एक बैरिज बनाए गए हैं जो बाढ़ को रोकने के लिए उसके बाद बहुत सारे कनाल टाइप के भी बनाए गए हैं तो बहुत सारे उस पर है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा कि ये कहाँ से निकलती है किस डिस्ट्रिक्ट में बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में आती है और किस डिस्ट्रिक्ट में जाकर के समाप्त हो जाती है टोटल लेंथ इंडिया में कितना है 120 किलोमीटर और ये नेपाल में 208 किलोमीटर तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो 120 किलोमीटर याद रखना है टोटल लेंथ कितना है तो थ्री किलोमीटर आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा फिर मिलते हैं नए रिवर के साथ जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें